हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है लिपस्टिक हैक्स के बारे में, जिसमें मैंने टॉप 5 बेस्ट लिपस्टिक हैक्स बताने वाली हूँ और उससे मैं ऐसा मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठा है, बहुत ही ज़्यादा डेवी लग रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लिपस्टिक एज अ कलर करेक्टर, इसके लिए मैं अपने फेस को पहले प्राइमर लगा रही हूँ एंड देन आप कोई भी रेड लिपस्टिक या ऑरेंज लिपस्टिक एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्टर को आपको अपने डार्क सर्कल्स पे, पिगमेंटेड एरियाज पे या डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई करना होता है। मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ अपने डार्क स्पॉट्स पे और डार्क सर्कल्स पे। फिर इसको आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है एंड देन इसके ऊपर आपको फाउंडेशन लगाना है। इसके वजह से आपका बेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं दिखेगा फेस। मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रहा है, डार्क सर्कल्स डार्क स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। लिपस्टिक एज ए कंटूर स्टिक, इसके लिए आपको कोई भी ब्राउन लिपस्टिक लेनी है और इसको आपको कंटूर जैसे यूज़ करना है, कंटूर स्टिक जैसे। मैं अपने फेस को इससे कंटूर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही कंटूर करना है अपने फेस को। मैं अपने नोज़ को भी कंटूर कर रही हूँ इसकी हेल्प से एंड देन इसके बाद आपको कंसीलर अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर लेना है। लिपस्टिक एज ए आई शेडो, इसके लिए आपको कोई भी अपनी फेवरेट लिपस्टिक लेनी है एंड अपने आईलिड्स पर अप्लाई करनी है। इसको आप कोई भी ब्रश की हेल्प से या अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे ब्लेंड किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीटी आइज दिख रहे हैं और आई शेडो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। इसके ऊपर आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। लिपस्टिक एज अ ब्लश, इसके लिए आप कोई भी पिंक कलर की लिपस्टिक ले सकते हैं एंड अपने चिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लो कवरेज चाहिए तो आप इसे कम ही अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। आपका लिपस्टिक अप्लाई होने के बाद आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। लिपस्टिक एज अ आई लाइनर, आपको कोई भी अपना फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक लेना है एंड आई लाइनर के ब्रश की हेल्प से आपको इसे आई लाइनर जैसा अप्लाई करना है। आप जो लिपस्टिक लाइनर जैसे अप्लाई कर रही हो वही लिपस्टिक अगर आप अपने लिप्स पर भी लगाएं तो वो जो मेकअप होगा आपका वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव दिखेगा एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे हैक्स यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।